नमस्कार, नमो राघवाय। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के कालचक्र कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। आज बहुत ही गुण विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आचार्य जी से हम पूछते हैं कि तंत्र क्या है। आचार्य जी, नमो राघवाय, नमस्कार। इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज एकादशी तिथि है। आज हम नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के कालचक्र कार्यक्रम भाग चार में चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं तंत्र और मंत्र। तंत्र एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें साधना होता है, त्याग होता है। वह विशेष साधक बनने के बाद यह साधना प्राप्त होती है। जब स्वयं सिद्ध होते हैं तब साधना को हम सिद्ध कर पाते हैं। तो तंत्र एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से कठिन समस्याओं से उबार पा सकते हैं। तंत्र एक ऐसा विषय है, यदि इसका समुचित उपाय हम करें, इसके विषय को लेकर चलें, इसमें सात्विकता रहे, ब्रह्मचर्य रहे, तो इसके माध्यम से कठिन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तंत्र के माध्यम से विशेष गूढ़ से गूढ़ बीमारियों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमाओं से निजात पाया जा सकता है, घर में उत्पन्न दोषों का सूक्ष्मतम अध्ययन के बाद तंत्र के माध्यम से उससे निजात पाया जा सकता है, जीवन में आ रहे अवरोधों को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। अब तंत्र क्या है? तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये सनातन में तीन परंपराएं और तीन विधाएं हैं। मंत्र जो है वह एक वैदिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वह जीवन में उत्पन्न हो रही कठिनाइयां हैं उसे दूर करते हैं। यंत्र क्या है? यंत्र एक अंक विज्ञान है जिसे शुद्ध नक्षत्र में हम भोजपत्र के ऊपर जिस व्यक्ति के बारे के लिए यंत्र का निर्माण किया जाता है उसके शुभ अंकों को बीसा, बाईसा या एकादश यंत्र तैयार करते हैं। उस यंत्र को सिद्ध किया जाता है, उस पर कुछ रासायनिक जड़ी बूटियां होती हैं। रासायनिक जड़ी बूटियों को एक साथ समावेश कर उनकी क्रियाएँ मंत्र के द्वारा सिद्ध की जाती हैं, जिसमें शक्ति जागृत होती है, और उसे यंत्र के ऊपर रख करके अपने पास रखने से एक उसमें फ्रिक्वेंसी पैदा होता है, ऊर्जा पैदा होता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में उत्पन्न हो रहे तमाम कठिनाइयों का सामना करते हैं। तीसरा आता है यंत्र। यंत्र सबसे कठिन विषय है, सबसे कठिन साधना है तंत्र। तंत्र सबसे कठिन साधना है। तंत्र के लिए हमें विशेष साधनाओं में जाना पड़ता है। तंत्र को पाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है फिर भी प्राप्त नहीं होता। यह हमारे या किसी के चाहने से किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। यह ईश्वर के दिया हुआ एक प्रदत्त शक्ति है, जिसके प्रारब्ध में है उसे ही प्राप्त होगा। इसके लिए विशेष गुरु, विशेष ब्रह्मचर्य, विशेष साधना और अपने साथ प्रकृति और प्रारब्ध का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। यह सब आपके साथ है तो तंत्र के ज्ञाता बना जा सकता है। और मिश्र जी, तंत्र
किसी माध्यम से यदि प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त हो जाता है या सिद्ध कर लेते हैं तो उसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि तंत्र के माध्यम से जलते हुए ज्वाला से में पार किया जा सकता है, विशेष शत्रुओं के आक्रमण से बचा जा सकता है, विशेष प्रभावी रोगों से बचा जा सकता है। तो तंत्र एक साधना है जो गुप्त रहस्य है। तंत्र जानने वाला व्यक्ति कभी भी अपने बारे में या अपने विधा के बारे में लोगों से प्रसार नहीं करता। यदि तंत्र की साधना उस व्यक्ति के पास है तो सरल सहज भाव में रहता है वह व्यक्ति, और यदि आप या किसी व्यक्ति से उसका लगाव हो जाएगा या व्यक्ति उसके काफ़ी करीब होता है तो उसके जीवन में उत्पन्न हो रहे कठिनाइयों का सहजता से वो दूर किया जा सकता है। तो तंत्र सभी विधाओं में सबसे पारंगत विधा है, लेकिन इसमें तप, तपस्या, ब्रह्मचर्य और खासकर साधना की नितांत आवश्यकता होती है। यह सब है, यह सिद्ध हो गया तो आदमी को प्रसिद्ध होने में देरी नहीं लगती है। तो यह है तंत्र की विधा। इस कार्यक्रम में काफ़ी लोगों की मनसा होती है कि हमारे साथ वीडियो बना रहे जो व्यक्ति बैठते हैं वो कौन है, तो आज आपको बताऊंगा कि यह देवरिया के भटोलिया स्थित भटोलिया गांव या तो शहर में है, वहां के मनोज मिश्र जी हैं जो सहायक संघ के अधिकारी हैं बस्ती में, और हमसे काफ़ी पुराना स्नेह है, निस्वार्थ और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बस हमारे साथ अपने अमूल्य समय में समय देते हैं। और इनकी एक ही मनसा होती है कि यदि कुछ विषय है, कोई विद्या है, तो उससे लोग लाभान्वित हों। यह होती है एक पुण्य प्राप्त करने का मार्ग कि जीवन में यदि कुछ है, ज्ञान है, विज्ञान है, विषय है, जानकारियां हैं, तो इसके माध्यम से लोगों को इसका प्रसार किया जाए लोगों में, और इससे उत्पन्न हो रही लोगों के जीवन में उत्पन्न हो रही अवसादों को दूर किया जाए। तो आज मनोज जी का विषय था कि तंत्र क्या है, जिसके बारे में मैं आपको बताया। यदि किसी को और भी कुछ इसके बारे में जानना हो तो मेरे निजी नंबर पे 9838697226 पे संपर्क करके अपने मन में उत्पन्न हो रहे उत्कंठा का आप जानकारी ले सकते हैं। आगे क्या जानना चाहते हैं बताएं जी। ये बताइए कि यंत्र और ताबीज को मिला के कैसे लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जी, जैसे जीवन में उत्पन्न हो रहे अवसादों को दूर करने के लिए यंत्र और गंडा, जिसे ताबीज बोलते हैं, दो विधाएं हैं। ताबीज बनाने के लिए खासकर पुख नक्षत्र का होना, अश्लेषा और मूल नक्षत्रों में इस मंत्र का, इस यंत्र गंडा का निर्माण किया जाता है। ताबीज बनाते समय जैसा कार्य होता है वैसी औषधियाँ उपयोग की जाती है, औषधियों का आपस में मेल कराया जाता है, उसे मंत्र के द्वारा सिद्ध करके उस यंत्र में ऊर्जा भरी जाती है, और वह ऊर्जा किसी तांबे, पीतल, स्टील या चांदी के खोल के अंदर रख करके उसे धारण करके उस यंत्र से जो निकली हुई फ्रिक्वेंसी होती है उससे वशीकरण, रोग प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय या अपने जीवन में उत्पन्न हो रहे अवसादों का लाभ लेते हैं। दूसरा होता है यंत्र। यंत्र तंत्र में भी कार्य आता है और ज्योतिष विज्ञान में भी काम आता है। यंत्र में अंक होता है, जिस व्यक्ति के लिए यंत्र बनाया जाता है उसके राशियों के ऊपर गणना की जाती है, उसके शुभ अंकों का को निकाला जाता है, जिससे एकादश या बाईशा यंत्र बनता है या बीसा यंत्र बनता है, और उस यंत्र को अपने पास रखने से जीवन में उत्पन्न हो रहे अवसादों में लाभ पाया जाता है। यह रहा ताबीज और यंत्र, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित ताबीज होता है, क्योंकि ताबीज में एक से एक कीमती
औषधियाँ जड़ियाँ बूटियाँ पड़ती हैं जिसके आपस में समन्वय क्रिया करने से उसमें तेज पैदा होता है और मंत्र के द्वारा उसमें 8 गुना तेज और उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपने पास रखने से उत्पन्न हो रहे विकारों में लाभ मिलता है। यह है ताबीज और यंत्र का प्रभाव। आचार्य जी बताइए कि समस्या से बचने का उपाय तंत्र है या नहीं? तंत्र एक ऐसा विषय है मिश्र जी जिससे किसी भी समस्या से निजात पाया जा सकता है। जैसे यदि किसी विशेष को, व्यक्ति विशेष को घर में काफ़ी गृह क्लेश हो गया और वहाँ पे आए दिन कुमति हो गई है परिवार में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में या परिवार में किसी भी व्यक्ति से, तो उस सभी व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए तंत्र एक बहुत ही सरल माध्यम है। परंतु सबसे जरूरी होता है व्यक्ति विशेष का चयन कि हम इसके उपाय के लिए कैसे व्यक्ति के पास जाते हैं। तंत्र को इतना समाज में भ्रमित और बदनाम कर दिया गया है ताकि तंत्र जो नाम है यह बदनाम हो चुका है। तंत्र एक विज्ञान है जो हमारा सनातन में पौराणिक कथाओं में, पौराणिक विधाओं में या हमारे शास्त्रों में इसका निम्न जगहों पर उल्लेख है। तंत्र में विषय, व्यक्ति, स्थान और नक्षत्र इनका समावेश कराया जाता है। इससे उत्पन्न हुई क्रियाओं से और अपने सिद्ध किए हुए मंत्रों के समावेश से घर में उत्पन्न कुछ सामग्रियों को रख देने से, कुछ मंत्रों के जाप से नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त किया जाता है व सकारात्मक ऊर्जाएं पैदा होती हैं जिसमें मन मस्तिष्क स्थिर होता है, वहाँ पे समानता आ जाती है, घर में शांति हो जाती है। यदि किसी विशेष व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो गई है, औषधि का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर सर्वप्रथम तंत्र के माध्यम से ही जाना जाता है कि उस व्यक्ति को पीड़ा किस तरह की है। क्योंकि जो दवा है एक विशेष केवल रोग की दवा है, वह यह नहीं पता कर पाता है कि रोग का कारण क्या है। रोग देखता है डॉक्टर या वैद्य और उस रोग की दवा करते हैं। तंत्र एक तन की आंतरिक क्रियाओं को जाँचने का विषय है, उसमें उत्पन्न हो रहे विकारों के कारण क्या है उस कारण को जाना जाता है। उस हिसाब से कुछ औषधियाँ, कुछ ताबीज, कुछ गंडा, कुछ यंत्र बनाए जाते हैं। उसको धारण करते ही शरीर के जो सूक्ष्मतम अंग हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, औषधियाँ से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यह रहा यंत्र और ताबीज का प्रभाव। और इस प्रभाव से किसी भी कार्य में, हर कार्य के लिए अलग विधाएँ हैं, प्रयोग करके इस तंत्र के माध्यम से हम निजात पा सकते हैं, बशर्ते इसमें भ्रामकता ना हो, लूटपाट ना हो, किसी को गुमराह ना किया जाए। तो हर व्यक्ति का यदा दायित्व बनता है को व्यक्ति का चयन करे, उस व्यक्ति के गुणों का चयन करे, तभी इस माध्यम से किसी के पास जाए। अन्यथा जहाँ भी जाएगा वह व्यक्ति ठगा जाएगा। तो व्यक्ति, स्थान और विषय का चयन करना नितांत आवश्यक है। आज का विषय हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आने वाले 9 वर्ष की शुभकामना अग्रिम हम देते हैं। कल के बाद अंग्रेजी महीनों के हिसाब से नया वर्ष शुरू होगा। हालांकि हम लोगों का वर्ष नया नहीं है, ना ही हम इस पे इस उत्साह मनाते हैं। हमारा वर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, फिर भी यह समाज है, सबको लेके चलना पड़ता है, इससे हम परे नहीं हैं समाज से। तो आप सबको अग्रिम 9 वर्ष की बधाइयाँ। आप अपने घर में स्वस्थ रहें, आनंद रहें, एकत्रित रहें व समन्वित रहें। नमो राघवाय। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं।